चलो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी थी? अच्छी करी थी सबने, दिवाली अच्छी मनी सबकी। ठीक है, अब पेपर कैसा लिखा था ये बताओ। सुनो, पेपर कैसा लिखा था सबने? अच्छा लिखा था ना, सब लोगों ने लिखा है पेपर, है ना? पेपर आपका बहुत अच्छा था, बराबर है? और राइटिंग सबने अच्छी लिखी थी ना राइटिंग? हाँ, तो ऐसे ही राइटिंग आपको सीडब्ल्यू में भी लिखने का, ऐसे ही राइटिंग आप लोग मेरी राइटिंग लिखते हो ना, बस ऐसी राइटिंग में आपको हमेशा लिखने का, ठीक है? अब हमारा जो है सेकेंड सेमेस्टर चालू होगा, बराबर है? तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारी ये वाली जो बुक है इसमें हम लोग 18 लेसन से पढ़ेंगे। कौन से लेसन से पढ़ेंगे? 18 लेसन से, ठीक है? चलो सब लोग अपनी अपनी छोटी बुक निकाल लो, फटाफट निकाल ली सबने? ओके चलो, अब 18 लेसन में हमारी कौन सी पोयम है? सब लोग उनकी रखो, ये आपको क्या दिख रहा है? स्काई में क्या होता है? मून, मून होता है ना, मून होता है ना स्काई में, रात को निकलता है, बराबर है? तो ये मून है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में चंदा मामा, ठीक है? ये एक लड़का है, देखो ये मून को जो है मून से बातें कर रहा है, बराबर है? जैसे हम लोग ढाबे पे जाते हैं तो दिखता है ना उनको मून, रात को स्टार्स दिखते हैं, बराबर है? तो वो उसको देख रहा है और वो ये उससे बातें कर रहा है, स्टार से बातें कर रहा है और चंद्रमा से बातें कर रहा है ना? हिंदी में दो नाम होते हैं, चंदा मामा बोलते हैं, बच्चे चंदा मामा बोलते हैं, और उनको चांद भी बोला जाता है, चंद्रमा भी बोला जाता है, बराबर है? तो ये जो है लड़का, देखो यहाँ अपने घर पे खड़ा होके ये मून से बातें कर रहा है ना? और यहाँ पे थोड़े से स्टार्स भी आपको दिखते हैं, है ना, जो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करते हैं, बराबर? तो ये मून जो है वो मून को देखता है और फिर उससे बातें कर रहा है, ठीक है? तो ये जो है आपको थोड़े से नए शब्द इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे उंगली रखेंगे सब लोग अपने अपने बुक में, ठीक है? प्यारे 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 न्यारे, साथ मेरे साथ साथ बोलना है सबको, मुस्काते सुंदर, ठीक है ना? तो ये बहुत हार्ड वर्ड्स है, इसलिए आपको ये प्रोनाउंस करना आना चाहिए, बराबर है? तो सभी लोगों को घर पे रीडिंग बराबर करनी है, रीडिंग नहीं करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए जब मैं पढ़ाती हूँ तो उंगली रख के जो है सबको देखना है और उसको समझना है। आ गया समझ में सबको? चलो अब फर्स्ट लाइन उंगली रखो, चंदा मामा प्यारे प्यारे, बोलो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मुझको लगते सबसे न्यारे, बराबर है? वापस बोलेंगे, चंदा मामा प्यारे प्यारे, मुझको लगते सबसे न्यारे। मतलब क्या है उसका, कि चंदा मामा से क्या बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत पसंद आते हो, क्योंकि वो रोज देखता है, हम भी रोज देखते हैं, बराबर है? रात हुई तो आ जाते हो, दिन निकला तो छिप जाते हो, बराबर है? दिन निकला तो छिप जाते हो। अभी सबको पढ़ना आएगा ना, पहले पढ़ चुके हो सारे लेसन आगे, बराबर है? तो वो क्या बोल रहा है कि रात जब होती है तो आप आकाश में दिखाई देने लगते हो, और जब दिन निकलता है तो छिप जाते हो। आपको दिन में क्या दिखता है? दिन में हमको सूर्य दिखता है ना, सन दिखता है, तो सन की इतनी सारी रोशनी होती है कि मून क्या होता है, छिप जाता है, हमको दिखता नहीं है। जब सनसेट हो जाता है रात को तो फिर मून हमको दिखाई देने लगता है। आया समझ में? तो वो क्या कह रहा है, जब दिन निकलता है तो आप छिप जाते हो, मुझे हमको दिखाई नहीं देते, दूर दूर से तुम मुस्काते पास हमारे कभी ना आते। दूर दूर से कैसे मुस्काते हैं, मून तो बहुत दूर होता है, बराबर है? तो बोलते कि आप तो ऊपर ही रहते हो, कभी नीचे तो आते ही नहीं हो, ठीक है? रोज तुम्हारा मुखड़ा ताजा, हे सुंदर तारों के राजा। आपका फेस जो है वो हमको रोज फ्रेश दिखता है, ताजा मतलब क्या होता है, फ्रेश, है ना, एकदम वाइट दिखता है मून, बराबर है? तो बोलते आपका आपका फेस जो है हमको रोज जो है बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, और आप तो तारों के राजा हो। जैसे तारे कितने सारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने सारे तारे होते हैं आकाश में, बराबर है? तो वो क्या बोल रहा है कि आप तो तारों के राजा हो, आप इतने बड़े सफेद दिखाई देते हो, तारे तो छोटे छोटे हैं, बराबर है? वो सब आपके प्रजा है, आप राजा हो, बराबर है? उतर एक दिन नीचे आओ, तुम मेरी पंक्ति ले जाओ। मुझे वो चंद्रमा बोलता है कि आप नीचे आओ, मुझे आपसे मिलना है, आपसे भेंट करना है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, एक दिन मेरे पास नीचे उतर कर आ जाओ, दे जाओ मुझको कुछ तारे। तो क्या बोलता है, जब आप आओगे वहां से तब मेरे लिए, क्योंकि आपके आसपास तो बहुत सारे तारे हैं, तब
तो आप मेरे लिए जो है तारे लेकर आना। चंदा क्यों, चंदा वहां प्यार का बार बार बोलता है क्योंकि बोलता है कि आप बहुत प्यारे हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो ये जो है आपको पोयम सबसे पहले सी डब्ल्यू में लिखना है, ठीक है। और ये पोयम को इसी तरह से लिखना है, सी डब्ल्यू में दो लाइन यहाँ लिखना है, फिर दो लाइन इस साइड, दो लाइन इधर, दो इधर, दो इधर और दो इधर, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है इस लेसन में, बराबर है। इसमें आपको एक नया आया है जो आप लोग इंग्लिश में भी लिखते रहते हो, अपोजिट वर्ड्स गुजराती में भी लिखते हो, विरोधी शब्द, बराबर है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हिंदी में भी उसको विरोधी बोलते हैं, विरोधी शब्द है। यहाँ पर देखो पहला वाला है आपका रात दिन, जैसे मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, आप लोग लिखते हो ना डे नाइट, वो तो आप लोग नर्सरी से इससे लिखते आ रहे हो सीनियर के जी से, बराबर है ना। इंग्लिश में रात दिन ऐसे क्रॉस लगाते हैं, आप भी लगाते हो ना इंग्लिश में क्रॉस, तो वैसे ही लगाने का। पास दूर ताजा बासी, बराबर है। सुबह शाम ऊपर नीचे उजला मैला, उजला होता है मतलब जो बहुत ही साफ होता है, और जो डर्टी होता है उसको बोलते हैं मैला, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपोजिट वर्ड्स खाली लिखना है आपको, पीडीएफ में मैंने जैसा लिखा है वैसा का वैसे सीडब्ल्यू में करना है, ठीक है। ये है। उसके बाद वर्कबुक है, देखो वर्कबुक का थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। यहाँ से आपका 17 लेसन वर्कबुक मालूम है ना सबको, हिंदी सोपान, बराबर है। तो वर्कबुक में आपको 17 लेसन है, यहाँ पे सबको लिखना है सेकेंड सेमिस्टर, बराबर है, ऐसा लिखना था सबको। ये थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसमें सिर्फ आपको इतना सा लिखना है, समझ में आया। और ये दो पिक्चर बनाना है, तीन पिक्चर, और उसमें कलर बनाना है घर पे, ठीक है। अब ये देखो पहला वाला सर्कल देखो, इसमें क्या है, मिल्क कौन कौन देता है, तो गाय भैंस बकरी, ठीक है ना। गाय को बोलते हैं काऊ, बफेलो गोट, ठीक है। अब सेकंड पानी, वाटर, वाटर मतलब पानी। तो पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ये इसमें पढ़ा है सब में, ठीक है। नदी मतलब रिवर, कुआं वेल और तालाब लेक, पॉन्ड होता है जिसको आपको बोलते हो, उसे हमको पानी मिलता है। तीसरे हैं फ्रूट्स, ये तो सबको मालूम है, चीकू, चीकू को चीकू बोलते हैं हिंदी में, बनाना केला ऑरेंज संतरा, ठीक है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है ऊपर का कुछ भी, सिर्फ ये लिखना है इतना सा बस। अब खाली जगह पर आपको राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। भैंस फल है, भैंस तो क्या है एनिमल है, तो क्या लिखेंगे रॉन्ग, ठीक है। सेकंड में कुआं पानी, कुएं से पानी मिलता है राइट, केला फल है राइट, बकरी दूध देती है राइट, ठीक है। अब खाली जगह में देखो नदी से डैश मिलता है, नदी से क्या मिलता है हमको पानी, गाय देती है, गाय क्या देती है दूध, संतरा और चीकू क्या है फ्रूट्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फल, गाय और भैंस की तरह कौन दूध देती है, और तीसरी गोट मतलब बकरी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है बकरी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से मीनिंग्स मैंने लिखे हैं वो देखो, सब इसमें से ही लिखा है, काऊ गाय ऐसे लर्न करने का है, काऊ गाय, बफेलो भैंस, गोट बकरी, रिवर नदी, लेक तालाब, वेल कुआं, चीकू, चीकू को चीकू बोलते हैं, ऑरेंज संतरा, बनाना केला, मिल्क दूध, वाटर पानी और फ्रूट्स फल, ठीक है। ये आपको सीडब्ल्यू में नहीं लिखना है कुछ भी, ये सिर्फ वर्कबुक में करना है, वर्कबुक का जो है वो सब वर्कबुक में करना है। सीडब्ल्यू में आपको क्या करना है, पोयम लिखनी है और विरोधी शब्द लिखना है, ठीक है। पहले वाले पीडीएफ आपकी ऐसी है, वीडियो पहले वाला ऐसा ही, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। अरे अरे छोटे